चैनल पर स्वागत करते हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हूँ गुवाहाटी रोपवे, तो यहाँ से हम यात्रा करेंगे नॉर्थ गुवाहाटी तक। तो इस प्रांत को बोलते हैं साउथ गुवाहाटी। तो साउथ गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने के लिए 2020 में सीएम सर ने ये उद्घाटन किए थे रोपवे, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा कैप्चर करेंगे कितना समय लगता है, कितना खर्चा होता है, फुल रिव्यू, यानी कि क्या इसमें डीमेरिट है, क्या मेरिट है, आपको यहाँ पे चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए, कैसा है आपका अनुभव, कैसा होगा चढ़ने में, तो पूरा जानकारी हम देंगे आपको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुवाहाटी रोपवे टर्मिनल, यहाँ से आपको एंट्री करना होगा भीतर तक। तो एयरपोर्ट से आप मान लीजिए गुवाहाटी एयरपोर्ट से 27 किलोमीटर होगा, और जो स्टेशन है गुवाहाटी स्टेशन 4 या 5 किलोमीटर मान के चलिए। तो ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे आपको घुसना होगा, यहाँ से आपको जाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्किंग एरिया, यहाँ पर डिसिप्लिन पार्किंग एरिया, तो देख सकते हैं आप ये। तो यहाँ तक आपको आना होगा। 2020 में ये डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी ने ये उद्घाटन यहाँ पे किए थे। तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे लाइन चालू हो गया है। तो ये काफ़ी डिसिप्लिन यहाँ पे मेंटेन किए हैं। 8:30 बजे से शुरू होता है या 5 बजे तक यहाँ पे होता है, यहाँ पे आना जाना जो होता है। तो 2 होता है आपका यहाँ पे 2, जो ये मैंने टिकट खरीदा 100 रुपया जाने का, आने का भी टिकट लेना हुआ, ये टिकट काउंटर है यहाँ पे। जो बॉक्स है, बॉक्स 2 है, एक यहाँ से चलते हैं आपका उत्तर गुवाहाटी यानी कि नॉर्थ गुवाहाटी, और वहाँ से आते हैं साउथ गुवाहाटी तक। 2 बॉक्स है, इसको बॉक्स ही बोलते हैं। अगर मैंने कुछ गलती किया है तो आप वहाँ पे लिखिए इसको क्या बोलते हैं। देखिए मैं अभी ऊपर तक जाना होगा, ये लिफ्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक साथ 25 आदमी चढ़ते हैं वहाँ पर, 25 आदमी वहाँ पर चढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर पहुँच गए हम लोग, अभी यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे। अभी देखिए उस तरफ से आ रहा है, ये यहाँ पर उतरेंगे, अभी ये उतरने के बाद हम लोग वहाँ पर चलेंगे। देख सकते हैं अभी यहाँ पर आ गए हम लोग खचाखच। तो 100 रुपया टिकट होता है जाने का, आने का भी 100 रुपया होता है। तो 4 पिलर यहाँ पे देख सकते हैं, तो देख सकते हैं ये अभी शुरू हो गया, हम लोग अभी जाएंगे धीरे धीरे। माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर, देखिए इंडिया में एक ही मेल रिवर है, जितना भी आप प्रमुख नदी बोल सकते हैं तो फीमेल ही होता है, मान लीजिए गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, गंगा हो गया, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो एक मेल रिवर है, यानी कि ब्रह्मा जी का मानस पुत्र का नाम है, उसी का नाम से ये रिवर बना था। तो एक्चुअली ये ब्रह्मा जी का ही मानस पुत्र है। तो कितना हजारों साल पुराना ये नदी है किसी को मालूम नहीं है, अब नदी नहीं इसको सागर ही बोल सकते हैं। दूर से देख रहे हैं आप उमानंद आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे छोटा रिवर आइलैंड जिसमें आदमी रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये भी एक आइलैंड है, छोटा आइलैंड। इस पर मेजरमेंट के लिए कुछ यहाँ पर रखा था ब्रिटिश लोगों ने, यानी कि जो यहाँ पर शासन करते थे। तो इसका ऊपर अगर पानी अगर जाएंगे, यानी कि फ्लड का सीजन में यहाँ से ऊपर अगर पानी चढ़ गया तो भयंकर बाढ़ आने का चांस होता है। तो ये मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे ये करके रखा है, ब्रिटिश ज़माने से यहाँ पे है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे ये देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। तो बारिश का दिनों में तो और अच्छा लगेगा, अभी तो मानसून शुरू नहीं हुआ है। उमानंद रिवर ये हमें देखिए, आपका सूरज उफान पर, दूर से एक देखिए आप एक छोटा सा बोट यहाँ पे, लेकिन ये इतना भी छोटा नहीं, लेकिन दूर से मैं ले रहा हूँ जूम करके तो इसलिए छोटा लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप हरियाली। तो 1800 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर मान के चलिए आप, और टोटल समय लगता है 10 मिनट, 10 मिनट यहाँ पे 4 पिलर है, 10 मिनट समय लगता है 2 किलोमीटर से थोड़ा कम किए, यानी कि 1800 मीटर। तो सेफ्टी का हिसाब से तो अभी कुछ हम अच्छा लगे, कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, काफ़ी अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि गुवाहाटी में अगर आप आएंगे तो इसमें एक बार ज़रूर आप एक्सपीरियंस लीजिए। इसमें कोई मैंने सुना था कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, सेफ्टी में इशू है, लेकिन मैं खुद आज एक्सपीरियंस किया हूँ कि इसमें कुछ नहीं है, अच्छा मेंटेन करके रखा है सरकार ने, अच्छा उसमें कदम उठाए हैं। तो काफ़ी
अच्छा महसूस हुआ, मैंने कभी भी नहीं उठाया इसे, तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे चढ़ने का। यह नॉर्थ गुवाहाटी अभी हम लोग पहुँच गए हैं, देख सकते हैं। तो ये है नॉर्थ गुवाहाटी का स्टेशन। तो यहाँ पे भी अभी आदमी है, यहाँ पे जमा हुआ है। तो देखिए जुरासिक पार्क जैसा लग रहा है अभी ये नज़ारा, हमें तो पूरा लग रहा है कि जुरासिक पार्क के ऊपर से हम चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आदमी खड़ा हुआ है टिकट खरीद के। तो सेफ्टी, लेकिन एक मुझे छोटा सा चीज़ खटका, ये देखिए यहाँ पे टिकट आपको खरीदना, रिटर्न होने का टिकट यहाँ पे खरीदना होगा। तो काफ़ी यहाँ पे आप फोटो वोटो ले सकते हैं, काफ़ी सुंदर यहाँ से दिखाई पड़ता है। ये 100 रुपये का टिकट मैंने फिर खरीद लिया जाने का, अभी रेडी हुआ हूँ वहाँ तक जाने का, जाने के लिए। तो धीरे धीरे फिर रिटर्न गुवाहाटी तक। गर्मी के दिनों में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि भीतर में देखिए कोई एसी का व्यवस्था नहीं है, 4 पंखा है छोटा छोटा। अगर आदमी अगर ज़्यादा होता है तो थोड़ा कुछ वही थोड़ा गर्मी का दिन में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा, देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप। इस रिवर के ऊपर बहुत सारा प्रोजेक्ट होने वाला है। असम सरकार ने कदम उठाया है कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बहुत सारा प्रोजेक्ट होगा यहाँ पे। तो धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है। यही चीज़ हमको थोड़ा खटका, ठंडे का दिनों में काफ़ी अच्छा, लेकिन गर्मी का दिनों में लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम है। जिनका एज मान लीजिए 70 हो गया 80 हो गया, तो ये 4 पंखे से तो नहीं होगा, छोटा छोटा पंखा है। तो एसी होने से अच्छा होता, लेकिन वो तो होगा नहीं। लेकिन मैं वही बोलता हूँ कि रिकमेंड करता हूँ ठंडे के दिनों में, मान लीजिए आप अक्टूबर से आप आराम से मार्च महीने तक, अप्रैल महीने तक आप यहाँ पे आइए, लेकिन जून जुलाई में थोड़ा कुछ आपको गर्मी का सहन करना होगा। हम देख सकते ये ऊपर में देखिए, मैं 4 पंखा आपको दिखा दिया, 1 2 3 4, ये पीछे और आगे में ये दिखाया, फिर ऊपर तक खुला हुआ है ताकि ये हवा आ जा सके। ये ऊपर से पार्किंग का एरिया ऐसा है। तो ये मैं उतरने के बाद कुछ कुछ फ़ोटो कुछ कुछ वीडियो में लिया हूँ कैसा है, तो आप देख सकते हैं। ये भीतर से अभी हम लोग उतरेंगे तो हम देख सकते हैं तो कैसा होता है ऊपर से नीचे तक। देखिए पार्किंग एरिया तो ऐसा है। तो यहाँ पे शाम का नज़ारा, सनसेट जो व्यू पॉइंट है काफ़ी सुंदर है, देख सकते हैं। मुझे तो बेस्ट जगह यहीं पे लगा, सनसेट हो रहा है। देखिए कितना नीट एंड क्लीन यहाँ पे मेंटेन करके रखे हैं, लेकिन हम लोग तो उस्ताद है इसको थूकने में। अभी जो रजनीगंधा खाने वाले हैं वो तो अभी गंदा करेगा, तम्बूल खाने वाला रजनीगंधा खाने वाला वो तो मैंने पूरा रेडी है, कैसे गंदा करें भाई, कैसे गंदा करें। मैं तो सरकार पे होता तो 50-50 हज़ार लगा रहता, चुना फाइन लगा रहता, इतना सुंदर करके रखा है। लेकिन हम लोग रेडी है भाई उसको गंदा करने के लिए। देखिए तो आइए कभी यहाँ पे घूमने के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह मैं नॉर्थ ईस्ट असम जितना भी हमारे यहाँ 7 स्टेट है उसको कवर करने के लिए कोशिश करूँगा, एक जगह आपको दिखाऊँगा। उसमें मेन क्या होगा, आपका खर्चा कितना होगा, कहाँ पर आप रुकेंगे, आपका अनुभव कैसा होगा, एक जानकारी मैं दूंगा। इससे क्या होगा आपको फ्यूचर में एक बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक बाय।